इट्स चरणदास। ये आप क्या पूछ रहे हैं मुझसे? मेरे लिए दोनों एक हैं। दोनों हैं तो मैं आपके लिए कौन हूं? बताइए ना, मैं आपके लिए कौन हूं? मेरे पति। अभी आपके वकील साहब ने कहा है कि भारतीय नारी अपने पति को परमेश्वर मानती है, क्या आप भी इस बात को मानती हैं? जी हाँ। तो फिर बताइए कि आपने कब तक अपने पति को परमेश्वर माना? बताइए ना, आपने कब तक अपने पति को परमेश्वर माना? और आज भी मानती हूँ। तो फिर उस परमेश्वर को एक तमाशा बनाकर आज आप इस अदालत में क्यों लाई? मिसेज चरणदास, आप ये क्यों नहीं कहती कि आपकी निगाहों में पति परमेश्वर की कोई कीमत नहीं? आप ये क्यों नहीं कहती कि पति नाम की चीज से आपका विश्वास उठ चुका है? आप ये क्यों नहीं कहती कि आपका पति मर चुका है? नहीं, ऐसा मत कहिए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। चलिए मान लिया कि आप मुझे अपना पति समझती हैं, तो फिर ये बताइए कि आपके पति का जन्मदिन कब है? जी, क्या आप बता सकती हैं कि मेरा जन्मदिन कब है? कई वर्षों से आपने मनाया नहीं, तो याद कैसे रहेगा? आपको अपने कुत्ते का जन्मदिन याद रह सकता है, मगर अपने पति का नहीं। खैर कोई बात नहीं, ये बताइए कि जब मैं इस लड़की को लेकर घर आया तो आपने कभी मुझसे ये पूछा कि ये कौन है? जी नहीं। आपने कभी मुझसे ये पूछा कि आधी आधी रात को शराब पीकर मैं इसके साथ क्यों नाचता हूँ? जी नहीं। क्यों नहीं पूछा? मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। क्यों नहीं समझी, जवाब दीजिए। क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि आप उस लड़की का साथ देंगे, हमारा नहीं। ओ, तो इस डर से भागी भागी आप वकीलों के यहाँ पहुंची मुझे पागल साबित करने के लिए? फोटो हासिल करने के लिए आप लोग कश्मीर में साय की तरह हमारा पीछा करते रहे मुझे पागल साबित करने के लिए? मेरे जिगरी दोस्त असलम को आपने कश्मीर में बुलाया ताकि उसको भी ये यकीन हो जाए कि मैं पागल हो चुका हूँ? मिसेज चरणदास, आपने अदालत में अपने परमेश्वर को बुलाकर उसका मुंह तो काला किया है, मगर किस लिए? उसकी दौलत के लिए। मिसेज चरणदास, दौलत ही आपका परमेश्वर है, दौलत ही आपकी जिंदगी है, दौलत ने आपको पागल बना डाला है। पागल मैं नहीं हूँ, पागल आप है। पागल मैं नहीं, पागल आप हैं। आपको उस डायन ने पागल बना दिया है। उस डायन ने मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया है। खामोश! अगर उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा तो तुम्हारा गला घोट। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, दिस इज कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट। सेठ चरणदास से कहा जाए कि वो इस तरह के पागलाना बर्ताव से अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मिस्टर चरणदास, आपको आगाह किया जाता है कि आपने दोबारा इस किस्म की हरकत की तो अदालत आपके साथ सख्ती से पेश आएगी। मैं माफी चाहता हूँ जज साहब, जज्बात के जोश में आकर मैं अपने आप को काबू में न रख सका। मुझे कुछ नहीं पूछना, अब किसी से कुछ नहीं पूछना। लेकिन अब मुझे सेठ चरणदास से बहुत कुछ पूछना है योर ऑनर, और मुझे इनसे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है मिस्टर चरणदास। दुनिया आपको चरणदास इंडस्ट्री की इतनी बड़ी एम्पायर के मालिक की हैसियत से जानती है, क्या यह सच है? जी हाँ। और क्या यह भी सच है कि आपने जिंदगी में इतना पैसा कमाया है कि शायद ही किसी दूसरे इंसान को नसीब हो? जी हाँ, सच है। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आपका वो सारा पैसा, आपकी सारी जायदाद, आपकी सारी इंडस्ट्रियल एम्पायर आज कहाँ है? मेरे पास नहीं है वकील साहब, आज उस पर मेरा कोई हक नहीं। क्योंकि मिस्टर चरणदास, आपने वो सारा पैसा, अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी इंडस्ट्रियल एम्पायर किसी दूसरे के नाम पे कर दी है, क्या ये भी सच है? जी हाँ, सच है। इसकी वजह यह है मिस्टर चरणदास कि आपको ये डर था कि कहीं आपके बीवी और बच्चे आपकी इस आलीशान पूंजी को हड़प न कर लें, इसलिए आपने एक ही झटके में अपने बीवी और बच्चों को उनके हक से महरूम कर दिया।